नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज का खास खबर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के इतिहास की एक बेहद स्वर्णिम धरोहर के पास, वसई किले के पास खड़े हम। और इस समय वसई विजयोत्सव चल रहा है। 3 दिन से कार्यक्रम विजयोत्सव के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये वीडियो है। यहाँ आप कुछ हमारे पास मॉडल्स देख सकते हैं किले के, और इनको बनाने वाली एक टीम है डॉक्टर श्रीरत राउत। ये काफ़ी जानकार इतिहासकार है, वसई के ही बारे में नहीं बल्कि कोंकण डिवीज़न हो या महाराष्ट्र के अलग अलग किलों का इनको बहुत बारीकी से जानकारी है। इन्होंने यहाँ कुछ 8 किलों के मॉडल्स बनाए हैं और उसकी जानकारी इन्होंने अभी कैमरे के ऊपर दी है। वो आप देखेंगे, सुनेंगे कि क्या इन किलों के बारे में, किस तरह से इनको बनाया गया है, किस तरह से इनकी टीम ने काम किया है। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम श्री दत्त नंद कुमार राउत है, किले वसई का प्रमुख हूँ। राउत साहब, आप जो है पुरातत्व विभाग से संबंधित, यानी हमारी जो जूनी और पुरानी यादगार यादें हैं, किले हुए वो संवर्धन है, इससे जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, और आज आपने कुछ मॉडल्स यहाँ तैयार किए वसई किले पे, क्या है उस बारे में बताइए। 284 वसई विजय दिन के निमित्त से वसई विरार शहर महानगर पालिका, वसई विकासनी ग्रुप्स, यहाँ के फोर्ट कंजर्वेशन में जो इन्वॉल्व है वो सब ग्रुप्स मिलकर वसई कला क्रीड़ा महोत्सव और वसई नरवी चिमाजप्पा स्मारक समिति के अंतर्गत यहाँ वसई विजय दिन हर साल एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। मराठों ने जो पोर्तुगीज के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी और इसके खिलाफ जो एक बड़ा विजय प्राप्त किया, उसके लिए ये बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हर साल की तरह यहाँ के किलों के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने के लिए हम लोग यहाँ मॉडल्स बनाते हैं मिट्टी के, नेचुरल सब चीज़ यूज़ करते हैं, इसमें प्लास्टिक या बाकी कोई चीज़ें यूज़ की नहीं जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इधर के किले, जैसे यहाँ धाराई फोर्ट है, बाजू में मांडवी फोर्ट है, टकमक फोर्ट वसई हाईवे का फोर्ट है, इस तरह शिवाजी महाराज के भी कुछ किले, जैसे प्रतापगढ़ है, सिंहगढ़ है, विजय दुर्ग है, शिरगांव फोर्ट है, सिंधुदुर्ग फोर्ट है, इनको बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा से लोगों को, लोगों में हिस्ट्री के प्रति आदर प्रेम बढ़ने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। इन किलों में की विशेषताओं के बारे में क्या क्या आपने पॉइंट आउट करके जानकारी निकाली? अभी काफ़ी गूगल की तरफ से या यूट्यूब तरफ से काफ़ी जगह पे इंफॉर्मेशन को अच्छी इन्वॉल्व मिल जाती है, इसलिए इन्होंने बच्चे लोग ने मैपिंग्स लगाए हुए हैं सब जगह पे, हिस्ट्री इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के पेंटिंग्स लगाए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ने खुद के हाथ से ये सब दिन रात मेहनत करके ये सब मॉडल्स बनाए हुए। कितने लोगों की आपकी टीम है? अभी किले एक टोटल 8 किले बनाए गए हैं और नियरली अबाउट 70 बच्चे लोग ने मिलकर ये 8 किले बनाए। आप लगातार संघर्ष करते हैं किलों की सफाई के बारे में, इसके बारे में, और कहीं ना कहीं कुछ खामियां नहीं कहूँगा लेकिन कुछ हमारी कमजोरियां है, तो उस बारे में क्या कहूँगा? खामियां तो यही है कि स्थानिक प्रशासन के हिसाब से या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ कुछ अलग होना चाहिए, अलग इन द सेंस जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मनी यूटिलाइजेशन होता है फोर्ट कंजर्वेशन के लिए, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए बिफोर बारिश और आफ्टर बारिश के बारे में। तो धीरे धीरे सब ये चेंजेस होते जाएंगे, ऐसे आशा रख के हम लोग काम कर रहे हैं, मगर हम लोग का टीम का मोटिव है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह के हम लोग, गवर्नमेंट साल में एक बार साफ कर सफाई करते, हम लोग एवरी संडे साफ सफाई चालू ही रखते। एक पर्सनल सवाल, आपकी लाइफ, हमने ऐसा सुना है कि आप कई भाषाओं में पारंगत है, विशेषकर मोड़ी लिपि जो आज को एक समय में कोई जानता नहीं है उसमें आप काफ़ी माहिर है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप थोड़ी अपने बारे में जानते हैं। हम लोग गए 20 साल से शिवाजी महाराज के टाइम में जो मोड़ी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब भाषा और स्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी लोगों के लिए एक हिस्ट्री इम्पोर्टेंस था,
तो गए कुछ सालों में पीएचडी करने वाले या हिस्ट्री जानने वाले, एमए हिस्ट्री करने वाले बच्चों में एक खामियाँ मालूम पड़ी कि इनको एंशियंट स्क्रिप्ट मालूम नहीं है, इसकी वजह से कुछ लेटर पढ़ नहीं पाते। इसलिए अभी कोविड के टाइम में या कोविड के बाद में ही अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड़ी लिपि, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू, ये सब क्लासेस हम लोगों ने ऑनलाइन चालू कर दिए और इसमें काफ़ी लोकल बच्चे काफ़ी अच्छे इन्वॉल्व हो चुके। कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये भारत की राष्ट्रीय धरोहर है, अपने फोर्ट्स, इनके कंजर्वेशन के लिए हर एक ने एक अपने हिसाब से अपन कुछ जो कुछ कर सकते हैं या जो जिसमें हर एक जन हिस्ट्री में मोटिवेट कुछ कर सकते हैं, इसलिए हर एक ने कोशिश करना जारी रखना चाहिए। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।